हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आफ्टर किनोवा रेसिपी आज हम बनाने वाले हैं पनीर भुर्जी टोस्ट। सो लेट्स सी कैसे बनता है। ये थोड़ा हेल्दी भी होगा बिकॉज हम इसमें ऑयल बिल्कुल कम यूज़ करेंगे और हम मैदे का ना यूज़ करके इसके अंदर हम मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। सो हमने गैस ऑन कर दी है। लेट्स ऐड सरसों का तेल, दिखा दे कि हम बहुत थोड़ा यूज करेंगे। आफ्टर ऑयल हमें क्यूमिन सीड्स ऐड करना है, जीरा, थोड़ी बहुत हींग ऐड करनी है, उसके बाद हमें ऐड करना है अनियन। इसको थोड़ा सॉटे करेंगे सो दैट ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इनका। अब हमें इसमें कैप्सिकम ऐड करना है। आप देखिए हमने कैप्सिकम ना बहुत छोटा छोटा चॉप किया है इसको, तो आपको भी बहुत छोटा छोटा चॉप करना है। उसके बाद हमें सॉल्ट टू टेस्ट सॉल्ट ऐड करना है, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर, थोड़ा हमें देगी मिर्च ऐड करना है, थोड़ा बहुत जस्ट फॉर कलर। थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर दीजिए क्योंकि हमने ऑयल कम ऐड किया है, थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे सो दैट इसके मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत कम ही वाटर यूज करना है आपको। सो पनीर भुर्जी सैंडविच या टोस्ट जो होता है उसको आप अपने किड्स को भी दे सकते हैं। इट्स वेरी हेल्दी और ये प्रोटीन रिच फूड है। सो आप भी इसको ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप अपने किड्स को भी दे सकते हैं उनके स्कूल्स के लिए, उनके अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सैंडविचेज एंड टोस्ट। सो आप सो दैट आपके बच्चे भी इंजॉय करें और अगर वो फूड इंजॉय करेंगे तो वो खुश भी रहेंगे। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। सो मैं थोड़ी कस्तूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, जस्ट हैव अ लुक, थोड़ा ही करेंगे कस्तूरी मेथी। ओके, अब हम पनीर ऐड कर रहे हैं। कोरिएंडर लीव्स, मिक्स इट वेल। नाउ टर्न ऑफ द गैस। सो आपकी पनीर भुर्जी तो आपकी रेडी हो गई है।
ये आपकी 10 मिनट रेसिपी है, आप इसको विद इन 10 मिनट्स आप आराम से बना सकते हैं। इट्स सो इजी एंड सिंपल, हमने इसको बहुत सिंपल रखा है विद द टेस्ट एंड द हेल्दी। सो अब हम इसका टोस्ट बनाएंगे, पनीर भुर्जी टोस्ट। सो पनीर भुर्जी रेडी हो गई है, अब पनीर टोस्ट रेडी करेंगे। और एक और बात, आप ये 10 मिनट रेसिपी आप इसको बहुत इजीली और सिंपली हमने रखा है, इसको आप बना सकते हैं। और इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपकी किचन में नॉर्मली मिल जाएंगे, सो आपको हरी भी करने की जरूरत नहीं है कि आपको बाहर मार्केट जाना पड़ेगा, कुछ आपको लेना पड़ेगा, आप इसको किचन से ही सामान लेके आप इसको बना सकते हैं। सो वी हैव मल्टीग्रेन ब्रेड, अगर आप चाहें तो आप नॉर्मल ब्रेड ले सकते हैं, व्हीट ब्रेड ले सकते हैं, मैं नॉर्मली यही वाले ब्रेड यूज करती हूँ, इट्स मल्टीग्रेन। ओके, सो वी हैव कोरिएंडर प्लस मिंट चटनी, ये भी होममेड है। अगर आप मुझे प्लीज कमेंट में बताइएगा अगर आपको इसकी भी रेसिपी चाहिए। तो अब हम इसमें पहले कोरिएंडर चटनी लगाएंगे, स्प्रेड करेंगे। सो हमने ग्रीन चटनी स्प्रेड कर दी है। अगर आप अपने किड्स के लिए बना रहे हैं, उनको टोमेटो सॉस जैसे बच्चों को बहुत पसंद होती है, तो आप टोमेटो सॉस भी ऐड कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस ग्रीन चटनी। और अगर आपको ग्रीन चटनी पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने जो पनीर भुर्जी बनाई थी हमें वो ऐड करनी है इसमें। अब हमें पनीर भुर्जी को स्प्रेड करना है। इसमें आप बटर या आप घी ऊपर थोड़ा लगा सकते हैं इसके, सो दैट ये थोड़ा क्रिस्पी बने। सो हमने टोस्टर में टोस्ट रख दिए हैं, विद इन 1 or 2 मिनट आपकी टोस्ट आपको रेडी मिलेंगे। और टोस्ट रेडी हो गए हैं, लेट्स सी देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। ठीक है, सो आप पति जी से टेस्ट करवाएंगे कि कैसा बना। सो यम्मी यम्मी। वेरी यम्मी, वेरी क्रिस्पी और बहुत टेस्टी। आप प्लीज ट्राई कीजिएगा और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएगा आपको ये कैसा लगा, सो दैट मैं थोड़ा मोटिवेट हूँ और आपके लिए और डिशेस लेकर आऊँ और ऐसी यम्मी यम्मी एंड हेल्दी ऑल्सो। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।